गुड मॉर्निंग अन्ना जी। गुड मॉर्निंग बेटा, चाय पियो। गुड मॉर्निंग लेडी। गुड मॉर्निंग बेटो। सो गाइस, आज हम सुबह सुबह की शुरुआत कर रहे हैं चाय पी के, और आज मैं नीचे बैठा हूँ, कल ये लोग नीचे बैठे थे एसी की वेंट के सामने व्लॉग रेंडर कर, गर्मी बहुत है तो, और मेरा पीसी जो लैपटॉप है वो रेंडर नहीं कर पा रहा है, तो चलिए चाय पीते हैं और आज वाले वीडियो को अपलोड करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, रेडी का नाश्ता बन के होंगे तैयार। आलू की सब्जी, सिरके वाली प्याज, ठीक है, हींग का अचार और पराठे। रेडी कर रहे हैं नाश्ता, उसके बाद हम भी करेंगे नाश्ता, तो चलिए पहले रेडी को नाश्ता दीजिए फिर हम करेंगे। सुबह जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपका भाई नहा धो के नाश्ता वाश्ता करके हो गया है तैयार। और आज मैं जिम क्यों नहीं गया, क्योंकि मुझे एक बहुत ही बड़ी कंपनी से इनवाइट आया है। उन्होंने मेरा एक पुराना वीडियो देखा था, जिसे देख के वो काफ़ी इंप्रेस हुआ और वो चाहते कि मैं और एक रिव्यू डालूं उनके लिए। तो वो कहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है, वो इस व्लॉग में आपको आगे पता लग जाएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए वहाँ चलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे टाटा मोटर्स गोल्ड रश ने मुझे बुलाया है, इनवाइट किया है, क्योंकि मेरा जो रिव्यू था इन्हें बहुत पसंद आया। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मुझे क्यों बुलाया और कौन सी गाड़ी का रिव्यू आज हम करने वाले या देखने वाले। सो गाइज, मुझे बुलाया था यहाँ पे टाटा में, और स्पेसिफिकली पंच के लिए और एल्ट्रॉस के लिए, क्योंकि ये दो गाड़ियाँ जो बहुत ही यूनिक प्रपोजिशन है। और ये वाली गाड़ी थोड़ी मेरे स्टाइल की है, ऊंची सी है, एसयूवी वाला स्टैंड है, अल्ट्रोस मॉम के स्टाइल की है, वो उसमें स्पेस ज़्यादा है, कंफर्ट ज़्यादा है। सो इन दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको बेटर लगेगी आप मुझे कमेंट करके बताना। आई वोट फॉर पंच। हो सकता है आपको अल्ट्रोस ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि टाटा वालों ने मुझे यहाँ पे बुलाया है और ये दो गाड़ियों को रिव्यू करने के लिए बोला। बहुत जल्दी इन दोनों में से एक गाड़ी का टेस्ट ड्राइव भी मुझे मिलेगा, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। कमेंट करके बताइए कौन सी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हो। सो गाइज, ये टाटा पंच का इंटीरियर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत गजब सा है। ये सेकंड टॉप मॉडल है, तो इसका म्यूजिक सिस्टम थोड़ा अलग टाइप का है, पांच गियर है, स्पेस काफ़ी बढ़िया है, पीछे भी काफ़ी बढ़िया स्पेस होने वाली है। और इन ऑल आई लाइक दिस कार, स्पेशली जो टेक्सचर दिया हुआ है बहुत गजब दिया हुआ है। और गाइज, ये है टाटा एल्ट्रॉस का इंटीरियर, ये यहाँ पे शोरूम पे जो खड़ी हुई एकदम टॉप एंड टॉप मॉडल है। तो यहाँ पे टच स्क्रीन है, हामिन कडान का म्यूजिक सिस्टम है, एसी है ऑटोमेटिक वाला, स्पेस बहुत गजब है, और डेफिनेटली एज यू कैन सी एम्बिएंट लाइटिंग भी है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते जो मुझे भैया ने बताया है। और पीछे भाई साहब बहुत चौड़ी है ये, मतलब ऑलमोस्ट एक आदमी एक्स्ट्रा बैठा लो इतनी चौड़ी है कंपेयर टू आपकी पंच। दोनों गाड़ी ऑलमोस्ट टॉप मॉडल पेट्रोल में सेम प्राइस में पड़ जाएंगे, 20,000 से 30,000 का MRP डिफरेंस आता है। लेकिन इन दोनों में से आप कौन सी गाड़ी का रिव्यू देखना चाहोगे या टेस्ट ड्राइव देखना चाहोगे मुझे कमेंट करके बताना। सो गाइस, गाड़ी देख के आ गए, रिव्यू करके आ गए, थोड़े डैड के ऑफिस में बैठे थे, काफ़ी सारी बातचीत हुई। अभी बज रहे हैं 5:30, फिर चलना है जिन। देखिए मम्मा क्या खा रही, क्या खा रहे हो? मैं कुछ नहीं खा रही। उधर बजे क्या खा रहे हो? ये देखो, ये देखो, ये देखो, रबड़ी खा रही है। सो गाइस, मम्मा खा रही है रबड़ी, मैं आराम से लेटा हुआ रेस्ट कर रहा हूँ, एनर्जी बचा रहा हूँ, फिर 6 बजे चलना है जिम, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ फिर चलते हैं जिम। भाई साहब क्या गजब का वर्कआउट था, बताया आज तुम्हारे भाई ने 100 kg बेंच क्लीन उठाया है। बहुत जल्द उसका वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, अभी थोड़ा सा और क्लीन हो जाए तो और मज़ा आएगा। चलिए अब घर चलते हैं, फ्रेश होते हैं और कुछ खाते हैं। सो गाइज, मैं नहा चुका हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ, और आज मेरा ना चीज़ वाला ये पास्ता खाने का बहुत मन हो रहा था, कॉर्न एंड चीज़ वाला, तो आज मैं खुद ही बना रहा हूँ। मम्मी को बोला मम्मा आप रहने दो, आज डिनर में खुद बनाऊंगा। आई नो इट्स नॉट हेल्दी, लेकिन कभी कभी क्रेविंग्स के लिए खा लेना चाहिए, और मैं मानता हूँ कि क्रेविंग्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपकी डाइट इंपॉर्टेंट है। एक क्रेविंग से इतना बहुत बड़ा अंतर नहीं आ जाएगा अगर आप पूरे हफ्ते डाइट को ढंग से फॉलो कर रहे हो या कर पा रहे हो। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चलिए अब इसको खाते हैं डिनर में। सो गाइस, माई लव, माई जिगर का टुकड़ा, माई सुपर यम्मी द पास्तो, चीज़ी कॉर्नी पास्तो इटालियानो इज रेडी आनो, और मेरे पेट में खान, मेरे पेट में जानो और मुझे मज़ा आनो, समझ रहे हैं आप। चलिए डिनर पर शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का मज़ेदार दिन और ये मज़ेदार ब्लॉग हुआ ख़त्म। कल के ब्लॉग में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है, मैं सरप्राइज़ को हल्का बहुत रिवील करूँगा इंस्टाग्राम पर, तो जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर लो, क्योंकि कल एक स्पेशल कार आने वाली है मेरे पास टेस्ट ड्राइव के लिए, जो खुद मुझे कहा गया था कि आपको वो गाड़ी रिव्यू कीजिए, तो इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। आई होप कि आप भी मेरा साथ देंगे और मेरे कल वाले ब्लॉग को डेफिनेटली बहुत सारा प्यार दीजिए,
कि आप लोगों के सपोर्ट से ये मुमकिन हो पाया कि कंपनी ने मुझे अप्रोच किया, तो आई विल डेफिनेटली डू द राइट थिंग, डू द जस्टिस। आप बस मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा एक मजेदार व्लॉग के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।